Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. The video that I have brought for you today is about squamous cell carcinoma, जो कि examination में कई बार 10 marks question में पूछा जाता है. Friends, मैंने surgery के और भी important exam based topics के ऊपर video बनाकर upload किए हुए हैं, तो please 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 एक बार आप surgery की playlist जरूर visit करिएगा. I'm sure you will find many useful things there. Also friends, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा क्या होता है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक और नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज एपिथीलियोमा. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन स्किन ट्यूमर होता है आफ्टर बेसल सेल कार्सिनोमा, और ये अराइज करता है प्रिकल सेल लेयर से ऑफ मैल्फीजियल लेयर ऑफ द स्किन. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये प्रिकल सेल लेयर से अराइज करता है, और ये ज्यादातर एल्डरली मेल्स में देखने को मिलता है. कई बार ये जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बेसल सेल कार्सिनोमा डिस्कस किया हुआ है, तो कई बार उसके बाद भी प्रेजेंट हो सकता है, बट कई बार ये डी नोवो, दैट मीन्स सबसे पहले फ्रेश फॉर्म में भी ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा है, इसको साइट्स के अकॉर्डिंग बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं. तो चलिए अब हम इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैंसर्स. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अगर जो स्किन ऑफ अब्डोमेन है और बैक ऑफ थाई अगर कश्मीरी पेशेंट में इन्वॉल्व होती है, तो हम इसे कंगरी कैंसर कहते हैं. ठीक है, अगर बटक रीजन, हील्स का रीजन और एल्बो इन्वॉल्व होता है, तो हम उसे कैंग कैंसर कहते हैं. अगर स्क्रोटल रीजन इन्वॉल्व होता है, वी कॉल इट चिमनी स्वीप कैंसर. ठीक है, अब्डोमिनल वॉल अगर इन्वॉल्व होती है, तो हमें पता है अब्डोमिनल वॉल का जो रीजन है, वहां पर जब धोती या साड़ी टाई की जाती है, तो उस जगह टाई की जाती है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट धोती कैंसर और साड़ी कैंसर. एंड लोअर लिप इन्वॉल्व अगर होती है, वी कॉल इट कंट्री मैन्स लिप कैंसर. ठीक है, तो ये अगर आपको याद रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर के नाम है जो आपको एज इट इज पूछा जा सकता है. ठीक है, मूविंग ऑन पैथोलॉजिकल टाइप्स की अगर हम बात करें, तो अगर अल्सरेटिव कैंसर प्रेजेंट है, सो दैट इज द कॉमनेस्ट टाइप. कई बार कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी अल्सरोप्लोरिफेरेटिव टाइप. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, तो मोस्ट लीजन्स आर प्रीसीडेड बाय एक्टिनिक केराटोसिस. ठीक है, सच लीजन्स ग्रो स्लोली एंड आर लोकली इन्वेसिव विदाउट मेटास्टेसिस. तो लोकल इन्वेजन कई बार सिर्फ केराटोसिस के साथ कुछ लीजन का होता है, एंड उधर मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है, कई बार ये अल्सरेटिव और कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है. एज इज रिवर्टेड एंड इंड्यूरेटेड, जैसा कि हमने देखा है बेसल सेल कार्सिनोमा में भी, दैट एजेस जो होते हैं वो इवर्टेड होते हैं, उठे हुए होते हैं, वैसा ही स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में भी होता है. ठीक है, द फ्लोर कंटेन्स कैंसरस टिश्यू विच लुक्स लाइक ग्रैनुलेशन टिश्यू. ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फ्राइबल होता है, बहुत इजिली ब्लीडिंग भी हो जाती है. ठीक है, आसपास की एरिया जो है वो इंड्यूरेटेड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और ऑब्वियसली अगर कहीं भी कार्सिनोमा होगा, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, फ्राइबल है, तो वो एरिया इजिली मूव नहीं हो पाएगी. ठीक है, कई बार अब किसी जगह पे कैंसर हो रहा है, तो उसके आसपास की लिम्फ नोड्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, एंड दे ऑल्सो गेट एनलार्ज्ड जब स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इफेक्ट करता है उस जगह को. तो ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द स्प्रेड, लोकल स्प्रेड की अगर हम बात करें, तो ये सराउंडिंग टिश्यूज में होता है, और लिम्फेटिक स्प्रेड जो है ये ही बेसिकली सबसे मेन मेथड है जिसके थ्रू जो ये कार्सिनोमा है ये स्प्रेड करता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन एंड डिस्कसिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, तो हम वेज बायोप्सी करते हैं. ठीक है, वहां पर हम पंच बायोप्सी कर सकते हैं, वहां का कोई भी पार्ट निकाल कर फिर उसकी बायोप्सी करके हम पता कर सकते हैं दैट वहां पे कैंसर सेल्स प्रेजेंट है, कैंसर सेल्स प्रेजेंट है भी या नहीं है. ठीक है, और हम जो सेल्स है उनको जो ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें एक तो केराटिन मिलेगा, उसके अलावा कंसेंट्रिक मैनर में अनियन स्किन लाइक अपीयरेंस मिलता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है.
yes, squamous cell carcinoma में that onion ring appearance is also observed. ठीक है. Now talking about the treatment, कि हम इसका treatment कैसा करते हैं, बिल्कुल भी detail में हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है. We can go for टू ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स. बेसिकली हम यहाँ पर या तो वाइड एक्सेशन प्रोसीजर का यूज करते हैं और विद सर्जरी, और वी कैन गो फॉर रेडियोथेरेपी. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन 10 मार्क्स क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. हमने इसके टाइप्स डिस्कस की है. We have discussed the clinical features. हम investigation कैसे करेंगे, हम biopsy लेते हैं, punch biopsy करते हैं. And finally, we have discussed the treatment procedure, जिसमें जो patient surgery के लिए willing होते हैं, we go for wide excision procedure. और जो लोग surgery के लिए will नहीं करते हैं, डरते हैं, तो उनके लिए हम radiotherapy का procedure use करते हैं. So friends, this is it about today's session. I hope आपको ये squamous cell carcinoma पसंद आया हो. Please मुझे comment करके जरूर बताएगा आप next topic, कौन सी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो. और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बैठ में